कांस्टेबल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में स्पेशल टीम का एक कांस्टेबल हिस्ट्री शीटर रूपा मीणा के साथ डांस करता हुआ नजर आता है। तेज म्यूजिक और हरियाणवी गाने पर चल रहा ये डांस, जिसमें एक पुलिस वाला एक हिस्ट्री शीटर के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वीडियो कब का है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि वीडियो पुराना है। इस मामले में विभागीय जांच भी चल रही है, लेकिन वीडियो ने पुलिस पर एक बार फिर से सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मीडिया संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर मौजूद है। आशुतोष, लगातार जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। लाल घेरे में दिखाई पड़ता हुआ वो शख्स भी जिसको कांस्टेबल कहा जा रहा है, और विभागीय अधिकारी कहते हैं कि जांच चल रही है, दोनों बातें, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस मामले में जब ये वीडियो अब वायरल हुआ है? देखिए आशीष, जैसे सुबह हमने बताया था कि इस तरह के जो वीडियो सामने आते हैं तो पुलिस का जो इकबाल है उसके लेके सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बार बार देखने में ऐसा आता है कि चाहे वो इस तरह की वीडियो वायरल होने की बात हो, जेल के अंदर से बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो वायरल होते हैं, और जो अपराधी है और अपराधियों के साथ में जो पुलिस की जो भूमिका है वो जब संदिग्ध नजर आती है तो सवाल निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर पुलिस और जो बदमाश है उनकी आपस में किस तरह का जो गठजोड़ है। बार बार ये देखा जाता है और हम खबरें भी प्रसारित करते हैं कि अपराधियों की जो गाड़ियां होती हैं या अपराधियों से जो सांठगांठ होती है उनके बहुत सारे वाक्य सामने निकल के आते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो हिस्ट्री शीटर होते हैं उनकी जो गाड़ियां होती है, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उनकी जो एसयूवी गाड़ियां होती है उनका इस्तेमाल थाना स्तर के जो जांच अधिकारी होते हैं वो करते हैं। ये कई बार हमने मसला उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो सवाल निशान खड़ा हो जाता है। आधिकारिक स्तर पर जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो वीडियो है ये कुछ समय पुराना है और इसको लेके एक विभागीय जो जांच है वो भी की जा रही है, लेकिन उस विभागीय जांच के अंदर किया क्या गया, इस स्पेशल ब्रांच के अंदर जो कांस्टेबल है उसको लेके क्या सख्त एक्शन लिए गए इस बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई है। उम्मीद है जिस तरीके से बार बार इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है, सामने रखा जा रहा है, उसके बाद में जो पुलिस के आला अधिकारी है इस पर सख्त एक्शन लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए।